हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल निखिल गेमर पे। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिसकी वजह से आपको, अगर आप मैच खेलते हैं WCC 3 के अंदर, तो आपको टारगेट बहुत कम मिलेगा, आप आसानी से विकेट ले पाएंगे और गारंटी आप हर मैच को जीतेंगे। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो सबसे पहले आपको ओपन करना है क्विक प्ले मैच या कोई सा भी मैच आप ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट न्यू, यहाँ पर किसी भी टीम के साथ कर सकते हैं। चलिए मैं बांग्लादेश के साथ कर लेता हूँ। 5 ओवर का मैच रखते हैं और आगे चलते हैं। मैच कंडीशन आप कोई सी भी रख सकते हैं और पिच कंडीशन भी आप कोई सी रख सकते हैं। अब सारा माजरा यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर हमारी अपोजिशन टीम है उस पर क्लिक करके उसका जो स्क्वाड है उसको चेंज करना। नीचे ऑप्शन आ रहा है चेंज स्क्वाड का, ये रहा वो ऑप्शन चेंज स्क्वाड का। यहाँ पर आपको उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जहाँ पर इनकी जो बैट्समैन है उनकी जगह हमको बॉलर लेकर आना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तमीम अहमद है और तमीम इकबाल की जगह हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बॉलर ऊपर आ गया, ऐसे हमको सबको हटाना है। आप मैक्सिमम 8 बॉलर रख सकते हैं एक टीम के अंदर और 3 बैट्समैन। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी को मैक्सिमम रिप्लेस कर दिया है। अब हम 2 बैट्समैन और लेकर आ जाते हैं। एक बैट्समैन और लाना पड़ेगा हमको। ये देखिए दोस्तों, जब ये बैटिंग करने आएंगे तो ऊपर के जो मतलब टॉप ऑर्डर पे जो बैट्समैन हैं वो बॉलर हैं, तो हमें आसानी से विकेट मिलेंगे और वो आसानी से रन भी नहीं बना पाएंगे। तो अब हमको सिंपली राइट कर देना है। हमको इनको एक विकेट कीपर भी चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हम विकेट कीपर को चूज़ कर देता हूँ इकबाल की जगह पर, हम उसको राइट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये इनके बॉलर्स आ चुके हैं टॉप ऑर्डर पर, मिडल ऑर्डर पर, और लोअर ऑर्डर पर बैट्समैन है। जब तक सारे विकेट गिर जाएंगे तब आपके बॉलर आएंगे। तो चलिए अब राइट कर लेते हैं और अपने मैच की ओर बढ़ते हैं। मैदान के साथ इतिहास जुड़ा है, भारत के दोनों कप्तान अपनी टीम शीट्स के साथ तैयार हैं, सो इज द अंपायर। हेड्स चुना है कप्तान ने, एंड हेड्स इट इज। टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला सही फैसला, क्योंकि ये पिच मैच के दौरान ज्यादा बदलने वाली है नहीं। दर्शकों से खचाखच बल्लेबाजी, बदलाव करने की है कोशिश। फास्ट बॉलर को बुलाया गया है, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक और चीज करनी है। आपको फील्डिंग में जाकर ओपन फील्ड 1 रखनी है आपको। अब आपको मैनुअल में जाकर इसको सेट करना है। जैसे मैं इसको सेट कर रहा हूँ फील्डिंग को, ऐसे ही आपको करना है। हेलो,
चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। तिरछे बल्ले से सीधा सही समझबूझ के साथ पकड़ा इस कैच को, सटीक गेंदबाजी, बल्लेबाज को मतलब समझाया शून्य का, और इस इनिंग की पहली विकेट गेंदबाज के नाम। बिल्कुल साधारण बल्लेबाजी, गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट। बहुत ही रोचक फैसला कप्तान का, लोअर ऑर्डर बल्लेबाज को प्रमोशन दी है बैटिंग ऑर्डर में। इस खिलाड़ी का अंदाज निराला, शॉट बहुत ही आला, इसे कहते हैं इन्हीं का वर्जन हेलीकॉप्टर शॉट का। खॉट, ये कैच पकड़ा है या मैच पकड़ा है? दूसरी गेंद, दूसरी सफलता, गेंदबाज इज ऑन अ रोल। छल्ले क्रम के बल्लेबाज को ऊपर भेजना, सवालों के जवाब पूछने वाले हैं, देखते हैं आज। जबरदस्त स्वीप बैट्समैन के द्वारा। इनिंग्स को शुरू करने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। बहुत करीबी मामला था, विकेट मिलती तो हैट्रिक होती। तिरछे बल्ले से सीधा शॉट, स्ट्रेट स्लॉप ऑन द ग्राउंड। फील्डर कर रहे थे इंतजार, गेंद गई उनकी झोली में। बल्लेबाजी क्रम में खासी उठा पटक, लोअर ऑर्डर बल्लेबाज को टॉप ऑर्डर में भेजना, क्या बैटिंग ऑर्डर को लंबा करना चाहते हैं कप्तान? हेलीकॉप्टर शॉट तो हमने बहुत सारे देखे, लेकिन ये तो थोड़ा नया वर्जन है। जहां था फील्डर वहीं थमाया कैच, पहली गेंद पर दबा दिया अपना विकेट। छल्ले क्रम के बल्लेबाज को ऊपर भेजना, क्या सवाल।